नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई घरेलू बिजली उपकरण हम अगर एक घंटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके वजह से कितना यूनिट बिजली खपत हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे जो बिजली उपकरण है, हमने यहाँ पे 10 ऐसे बिजली उपकरण लिए हैं, उसका वाट वहाँ पर हमने दर्शाया है। उसके बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करके बताएँगे कि एक घंटा इस्तेमाल करेंगे तो कितना बिजली यूनिट खपत शुरू हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं फैन। फैन आपका 60 वाट का होता है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जितना भी लोड आपका वाट में, उसको किलो वाट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 60 वाट बाय 1000, ये आपका आ जाएगा 0.06 किलो वाट। ये लोड जो है आपका एक घंटा इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.06 × 1, यानी 0.06 kWh। यानी हमारा लोड जो है 60 वाट का है, अगर एक घंटा बिजली इस्तेमाल करेगा तो आपका 0.06 kWh, यानी 0.06 यूनिट बिजली खपत होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा है फ्रिज 100 वाट का। तो सबसे पहले क्या करना है, 100 वाट को 1000 से हमें डिवाइड कर देना, ये आपका आ जाएगा 0.1 kW। ये आपका लोड इस्तेमाल होगा एक घंटे के लिए, तो ये आ जाएगा 0.1 × 1, ये आपका आ जाएगा 0.1 kWh। यानी फ्रिज जो है अगर एक घंटे 100 वाट का होता है, एक घंटा इस्तेमाल होगा तो 0.1 यूनिट आएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो पंखा होता है आपका लगभग 60 वाट से 75 वाट के बीच में होता है। फ्रिज आपका जैसे जैसे फ्रिज का साइज बढ़ता जाएगा, वाटेज उसका बढ़ता जाता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता जाता है। हमने यहाँ जो नॉर्मल फ्रिज होता है उसको कंसीडर करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरीके से टीवी का भी केस है, आपका बहुत सारा वाट होता है और ज़्यादा वाट का भी होता है, कम वाट का भी होता है। एक नॉर्मल टीवी जो 100 वाट का होता है वहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले 100 वाट को हमको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 kW, यानी किलो वाट। इसको अगर हम लोग एक घंटा इस्तेमाल करेंगे 0.1 × 1, यानी 0.1 kWh, यानी 0.1 यूनिट आपका बिजली खपत होगा अगर टीवी कोई 100 वाट का है, अगर एक घंटा इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ वॉशिंग मशीन है, 250 वाट, इसको 1000 से डिवाइड करिए, 0.25 kW आएगा। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक घंटे के लिए तो आ जाएगा 0.25 × 1, ये आपका 0.25 kWh। यानी वॉशिंग मशीन अगर आपका एक घंटा इस्तेमाल होता है तो 0.25 यूनिट आएगा, यानी 1/4 जो है, 1/4 आपका यूनिट आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप हीटर है, देखिए हीटर है तो ऑलरेडी जो है 1500 वाट का है, 1500 वाट को 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1.5 kW, ये आपका एक घंटा के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 × 1, यानी 1.5 kWh। यानी आपका पंखा जो है 0.06 kWh हो जाएगा। उसी तरीके से फ्रिज है आपका 0.1 यूनिट हो जाएगा, टीवी भी आपका 0.1 यूनिट हो जाएगा, वॉशिंग मशीन आपका 0.25 यूनिट होगा, और यहाँ पे हीटर चूँकि 1500 वाट का अगर है तो आपका 1.5 यूनिट हो जाएगा, यानी लगभग 1.5 यूनिट खपत होगा अगर इसको हम एक घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका 6 नंबर पर इलेक्ट्रिक आयरन है, वो आपका 850 वाट का है, वो 1000 से डिवाइड कर देंगे आपका जाएगा 0.85 kW, ये भी आपका एक घंटे के लिए इस्तेमाल होगा, तो आपका आ जाएगा 0.85 × 1, यानी 0.85 kWh। इस तरीके से आपका कूलर है 200 वाट का होता है, कन्वर्ट कर दीजिए पहले किलो वाट में, 0.2 kW इस्तेमाल होगा आपका ये 1 आवर के लिए, तो आपका 0.2 × 1, यानी 0.2 kWh होगा, यानी 0.2 यूनिट बिजली खपत आपका एक घंटे में होगा कूलर के द्वारा।
अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लैपटॉप के लिए। लैपटॉप आपका 40 वाट का होता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 0.04 किलो वाट। ये आपका उपयोग होगा 1 आवर के लिए, तो आपका हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 0.04 kWh। उसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एसी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। आपका जो है डे टर्म का एसी 1500 वाट का है, सबसे पहले उसे किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 किलो वाट। ये आपका 1 आवर के लिए इस्तेमाल होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 1.5 kWh आपका यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, अगर हम एसी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 100 वाट बल्ब के लिए है, तो पहले इसको क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे 100 वाट को, ये आपका आ जाएगा 0.1 किलो वाट। ये आपका इस्तेमाल होगा 1 आवर, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 0.1 kWh। इस यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है, तो सबसे पहले उसे हमने किलो वाट में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 किलो वाट हो गया, 1 घंटे इस्तेमाल हुआ तो आपका आ जाएगा 0.1 kWh। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल लोड है, अगर आपको उसका रेटिंग पता है, अगर वो किलो वाट में है या वाट में है, तो सबसे पहले उसे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। सपोज़ कीजिए वाट में है, तो अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका किलो वाट में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा। तो उसके बाद आप जितना घंटा से चाहते हैं उस वो इक्विपमेंट आपका किलो वाट में कन्वर्ट हो गया, आप उसे सपोज़ कीजिए 1 घंटा का चाहते हैं कि वो इक्विपमेंट 1 घंटा आप इस्तेमाल किए, तो 1 घंटे के लिए कैलकुलेट करें, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो आपका उतना यूनिट आ जाएगा। सिर्फ इसे 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए। सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर जो बल्ब लिया है, इसी बल्ब के केस में लेते हैं कि हम 5 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हमने यहाँ पे किलो वाट में कन्वर्ट किया 0.1, उसके बाद यहीं से हम लोग क्या करेंगे, 5 आवर ले लेंगे। ये सिंपली हो जाएगा 0.1 किलो वाट गुणे 5 यानी 0.5 किलो वाट और kWh यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर इक्विपमेंट का आप चाहते हैं कि निकालना कि वो 1 घंटे में या 2 घंटे में कितना बिजली खपत करता है, तब कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, हम उसका आपको वीडियो बना के या रिप्लाई के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो लाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।